और हम सब बिजनेस पैसा कमाने के लिए करना चाहते हैं तो हम बिजनेसमैन बन भी नहीं पाते। बिजनेस में दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए आपको। अगर ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, चाचा और पापा के बीच में फाइट चल रही, तो हमें बड़ा मजा आता है। अब सोचो जमशेद जी टाटा अगर अपने घर पे ये टेंशन ले रहे थे कि मेरी भाभी और मेरी वाइफ में लड़ाई हो रही है, कि जो कर रहे हो अगर आपने ईमानदारी से करा ना तो ही कुछ होने वाला है। मैं जानना चाह रहा था कि जैसे आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप का थॉट प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि लॉसेस जीवन में आते हैं जैसे हमने सीखा है सुना है। लॉसेस फाइनेंशियल लॉसेस सर, टाइम लॉस हो जाता है, हम किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, सक्सेस नहीं हुआ, लॉस हो गया, तो उसको रिकवर कैसे किया जाए सर, क्या थॉट प्रोसेस रखा जाए उसके लिए कि हम एकदम पॉजिटिव रहें। आप बेसिकली ये पूछ रहे हो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए क्या थॉट प्रोसेस रहती है, और जो हमारे नुकसान वगैरह होते हैं उसको ओवर हम कैसे करें। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बिजनेस के अंदर अगर आप बिजनेस पैसा कमाने के लिए कर रहे हो सिर्फ, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते ना। और हम सब बिजनेस पैसा कमाने के लिए करना चाहते हैं तो हम बिजनेसमैन बन भी नहीं पाते। जो बिजनेसमैन बने हैं वो पैसा कमाने के लिए, ऑब्वियसली पैसा एक पार्ट है, बट सिर्फ पैसे के पीछे अगर वो गए हैं तो वो बिजनेस हो ही नहीं सकता। बिजनेस में दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए आपको। सबसे पहली चीज़ तो चाहिए आपको आपका प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट से आप सोसाइटी पे या लोगों पे क्या इम्पैक्ट लेके आने वाले हो। अगर ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है और आप उसके लिए राइट कैंडिडेट हो, आपके पास राइट सेट ऑफ स्किल्स है, तो आपका वो बिज़नेस चल जाएगा। अब रही प्रॉफिट और लॉस की बात, कि अगर मान लो एक साल हमने किया और लॉस आ गया, दो साल हमने किया और लॉस आ गया, तीन साल हमने किया और फिर भी लॉस आ रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि जो आपका विज़न है वो बहुत लंबा है। वह कभी भी बिज़नेस एक दो साल के लिए होते नहीं है, बिज़नेस जनरेशन के लिए होते हैं या फिर कम से कम एक बहुत लंबे पीरियड के टाइम के लिए होते हैं। हाँ, लेकिन आपको बैकअप रखना पड़ेगा, आपको करेजियस होना पड़ेगा कि और आप कैपिटल गेन कर सको और आप लोन्स ले सको और लोगों को आप कन्विंस कर सको अपने आइडियाज़ के लिए, क्योंकि फंडिंग तो चाहिए, सैलरी तो देनी पड़ेगी, कुछ और जो एक्सपेंसेस हैं वो तो मीट आउट करने पड़ेंगे। बट अगर आपका विज़न क्लियर है, आपको पता है कि ये हेल्प मैं सोसाइटी में ये चेंज लेके आएगा मेरा बिज़नेस, और ये मैं इसके लिए क्यों राइट बंदा हूँ, मैं इसके लिए क्यों सही बंदा हूँ कि मैं ही ये कर सकता हूँ, अगर ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर है तो बिज़नेस चल पड़ेगा। और रही बात आपके लॉसेस की और स्ट्रेस की और ये सारी, तो वो तो पार्ट एंड पार्सल है, वो तो आपको आएगा ही आएगा। जब ये सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो इसीलिए है कि आपके जो बिज़नेस का बीच का या जॉब करियर में या किसी भी फेज़ में अगर आप डिप्रेस हो रहे हो, अगर आप फील कर रहे हो कि कैसे हम परेशानियों से निकलें, तो एक और सॉल्यूशन है उसका, वो है मेडिटेशन, वो है स्पिरिचुअलिटी, वो ये। तो हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कि आपको स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन की तरफ थोड़ा सा धक्का दिया जाए, ताकि आप बिज़नेस में और अपने करियर के अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ से काम कर पाओ। कभी भी मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी आपको मैजिक नहीं दिखाएंगे, वो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग कर देंगे, आप और फाइट कर सको सिचुएशन से। तो हमारा ये जो सेशन है ना, उनकी यही पर्पज़ है। तो पहली बात तो आपको प्रोडक्ट फिट देखना पड़ेगा, आपका विज़न देखना पड़ेगा, आप सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट लेके आने वो देखना पड़ेगा, और उसके लिए आप राइट हो कि नहीं वो देखना पड़ेगा। और अगर आप राइट कैंडिडेट हो उसके लिए, तो फिर आप पूरी जान लगा दो उसमें, और कोई शॉर्टकट तरीका है नहीं। पहले 3-5 साल आपको दिक्कतें भी आएगी, सब कुछ होगा, और आपको समझ में नहीं आएगा कि कब सक्सेस आपकी तरफ आने लग गई, क्योंकि आप जो 3-5 साल का वो जो पीरियड रहेगा ना, जिसमें आपको काफ़ी दिक्कतें सहन करनी पड़ेगी, आप उसमें इतना लग जाएगा कि कुछ अच्छा भी आने लगेगा, तो आपको अभी तो टाइम है, इतनी जल्दी कैसे आ सकता है, इतनी जल्दी सक्सेस कैसे मिल सकता है, क्योंकि आप तो आदी हो चुके हो काम करने के। अब यही आपकी जॉब में अप्लाई होता है। जब आप जॉब में पूरी तरह, ये मान लो कि मेरे को तो परेशानियाँ ही आएगी, लेकिन अगर आप जॉब में पूरी तरह घुस गए, पूरा वहाँ पर करने लग गए, तो आप देखना 3 साल टाइम रहता है, 3-4 साल बाद में आपको उसी जॉब के अंदर आपको ऐसे प्रमोशंस मिलेंगे, या फिर आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंचोगे जहाँ पे आपको लगेगा यार 3 साल पहले मेरी ज़िंदगी क्या थी, 3 साल बाद में मेरी ज़िंदगी क्या। लेकिन वो 1, 2, 3 से पहले नहीं मिलते, क्योंकि 3 साल आपको लगेंगे वो चीज़ समझने में। एक तो क्या होता है कि जैसे मैकेनिक होता है, गाड़ी का टायर सही कर दिया या इंजन रिपेयर कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो वो मैकेनिक है, लेकिन अगर इंजन सही करने का एक्सपर्ट हो गया तो उसके नीचे 10 मैकेनिक आ जाएंगे। वो एक्सपर्ट बनने का जो टाइम है ना, वो 3-4 साल। जब तक आप उस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं बनोगे, आप कुछ एक्सपेक्ट मत करो।
अगर आपको पता है इंजन की ए से लेकर जेड तक सब कुछ मुझे पता है और अब मैं सिखा सकता हूँ दूसरों को, तो आपके नीचे 10 मैकेनिक आ गए, अब आपकी इनकम कितने फोल्ड बढ़ी? 10 टाइम्स बढ़ी। कैसे बढ़ी? क्योंकि आपने 4 साल पहले दे दिए। और ये 4 साल में क्या होता है कि हमारे 99% लोग ये 4 साल में 40 काम बदल चुके होते हैं, तो कभी इधर होते हैं, कभी इधर होते हैं, कभी इधर होते हैं, और ये पूरी जिंदगी ऐसे ही इनकी निकल जाती है क्योंकि एक्सपर्ट किसी चीज़ के लिए बन ही नहीं पाते। एक कहावत है कि 5 साल में आप स्टेट चैंपियन हो, 10 साल में आप नेशनल चैंपियन हो, 15 साल में आप इंटरनेशनल चैंपियन हो। 5 साल अगर आपने पूरी एनर्जी के साथ काम कर लिया तो पूरे स्टेट में आपसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता। अगर आपने 10 साल पूरी एनर्जी के साथ काम कर लिया तो पूरी कंट्री में आपके बराबर कोई नहीं कर पाएगा। 15 साल कर लिया तो पूरी दुनिया में आपसे बेस्ट कोई नहीं हो पाएगा। लेकिन शर्त है कि पूरा और पूरी जान लगाए, घर परिवार ये वो कुछ भी याद नहीं रख सकते आप। याद तो रहेगा ही, कहाँ जाएगा, लेकिन उनको फिर आप टाइम डिवोट नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कि आपका ही जो काम है वो सोसाइटी में कितना बड़ा चेंज लेके आने वाला है, कितने लोग हैं जिनको नौकरी मिलने वाली है, कितने लोग हैं जिनका पूरे फ्यूचर चेंज होने वाली है। तो आप एक चीज़ के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस थोड़ी करोगे। अब सोचो जमशेद जी टाटा अगर अपने घर पे ये टेंशन ले रहे थे कि मेरी भाभी और मेरी वाइफ में लड़ाई हो रही है और उसी में वो अपना पूरा टाइम बिता देते, तो टाटा कोई जानता? इम्पोर्टेंट तो वो भी था, लेकिन इम्पोर्टेंस अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी आपको कि कौन सा मेरे लिए लॉन्ग टर्म में इम्पोर्टेंट है और क्या मेरी इस फाइट के बीच में जाने से कुछ सॉल्यूशन आएगा? कुछ नहीं आने वाला, तो मैं अपनी एनर्जी कहाँ लगूँ? तो प्रायोरिटीज़ अपनी बड़ी सेट करो, अपने टारगेट्स बड़े सेट करो और उसके पीछे लग जाओ। 5-7 साल कुछ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, पर मिलेगा अगर आपने पूरी एनर्जी फोकस के साथ करा तो मिलेगा। तो वो चीज़ ध्यान रखोगी जो कर रहे हो, अगर आपने ईमानदारी से करा ना तो ही कुछ होने वाला है, नहीं तो फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इन सब में चले जाओगे आप।